नमस्ते डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू तपस्या एनुअल प्रिपरेशन डे 6। तपस्या के छठे दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइव चैट और कमेंट थ्रेड में जो बच्चे जुड़े हुए हैं आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, किस शहर से हैं वो बताइए, और अभी तक के आपने सेशंस में सबसे अच्छी चीज़ क्या सीखी वो भी शेयर कीजिए। क्या आपने अभी तक के पूरे पाँचों दिनों के 15 सेशन देख लिए हैं? चलिए दैट इज़ ग्रेट। तो सिलेबस कॉन्सेप्ट का पार्ट 3 शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दूं, आपने ऑफिशियली अगर एनरोल नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए, बिकॉज दिस विल गिव यू मेनी बेनिफिट्स एज वेल एज रेगुलर इन्फॉर्मेशन। अपने साथियों को भी एनरोल करें, इस फ्री सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का आज हमारा तीसरा लेक्चर है दोस्तों। 5 कोर कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। याद रखिए, सुबह 6:30 बजे सिलेबस कॉन्सेप्ट, दोपहर को 1 बजे गवर्नमेंट स्कीम, शाम को 6:30 बजे हम प्रीलिम एमसीक्यू पढ़ाते हैं। ये सब प्रीलिम्स के लिए, जीएस पेपर 1 के लिए, 2 के लिए और 4 के लिए रेलेवेंट है। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। तो ये बताइए दोस्तों, संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स और कुल कितने पार्ट्स हैं? हमने ये सवाल पहले भी पूछा था और आप ही ने जवाब भी दिया था, फिर से दे दीजिए। अभी तक के 10 कॉन्सेप्ट जो हमने कवर किए हैं आपके सामने हैं। तो मेरा पहला सवाल, विच ऑफ दीज 10 कॉन्सेप्ट डिड यू एंजॉय लर्निंग अबाउट द मोस्ट? इन 10 में से आपको कौन सा कॉन्सेप्ट अभी तक सबसे बढ़िया लगा, जल्दी बताइए कमेंट थ्रेड में, और साथ ही साथ एक कारण भी बता दीजिए कि क्यों। तो शुरू करें 11 से 15। जी हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 11, एन इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान जो है बड़ा तेजी से बदलता है, उसकी अवधारणाएं और उसका एप्लीकेशन बहुत तेजी से समयानुकूल बदलता रहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एंड एनफोर्स सिंस 26 जनवरी 1950 इज नॉट स्टैटिक बट इवॉल्विंग विथ एवरी पासिंग ईयर। प्यारे दोस्तों, जिस संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 से लागू किया, स्वीकृत किया, स्वयं को उसके प्रति समर्पित किया, वो कोई एक ठहरे हुए पानी की तरह नहीं है, वो तो बहता हुआ पानी है, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं। अब ये एवोल्यूशन होता कैसे, आपके दिमाग में आया होगा, भैया अमेंडमेंट से होता है। जी नहीं, अमेंडमेंट अकेला तरीका नहीं होता है। हमारे संविधान में परिवर्तन के तरीके हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, जो न्यायिक विवेचना होती है किसी मामले की, वो दरअसल संविधान के नए नए रंग दुनिया के सामने लाने में मददगार होता है। केस लॉस, जब कोई बड़े बड़े मामले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा फाइनली वर्डिक्ट आता है, जैसे कि राइट टू प्रिवेसी, जिसको पुट्टस्वामी केस या पावर ऑफ वन कहते हैं, जो 9-0 का वर्डिक्ट आया, तो उसने निजता के अधिकार को इतनी मजबूती के साथ स्थापित किया कि संविधान को एक पूरी दिशा मिल गई उससे। न्यू मेजर अमेंडमेंट्स, निश्चित तौर पर संसद से आ रहे संशोधन, न्यू लॉज, अब जैसे डीएनए डेटा बैंक का लॉ आ रहा है, इस प्रकार के कानून फिर से संविधान किन मूल्यों के लिए खड़ा है उस पर प्रकाश डालेंगे। सोशल सिचुएशंस, अब जैसे रिजर्वेशन को लेके जो डिबेट चलती है, तो उसमें एवोल्यूशन बहुत होता है। आपको बात समझ में आई कि एक इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का मतलब क्या है? नेचुरली जैसे जैसे पॉलिटी में चेंजेस आते हैं, संविधान उस हिसाब से गाइडेंस प्रदान करता है। याद रखिएगा, संविधान सबसे ऊपर है, संविधान के ऊपर कुछ नहीं सिवाय लोगों के, लोगों ने संविधान बनाया, पॉलिटिकल सिस्टम संविधान के ऊपर नहीं बैठा है। जिसको ये गलतफहमी है, अपने दिमाग से वो गलतफहमी जरा दूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, समाज में बदलाव के साथ साथ पूरी व्यवस्था बदलती है, और इस नई व्यवस्था को, इस नए ढांचे को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दें, आपको याद है हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपके साथ डिस्कस की थी, कौन सा कॉन्सेप्ट था? कॉन्सेप्ट नंबर 5, मूल ढांचा सिद्धांत। मूल ढांचा सिद्धांत ये कहता है कि कैसा भी समय आ जाए, कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, कितने भी परिवर्तन लाने पड़े, लेकिन जो सबसे मूलभूत इसके वैल्यूज हैं हमारे संविधान के, उनके साथ किसी को भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो दिस इज द स्टैटिक पार्ट ऑफ एन इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप बोलेंगे सर इसका सबूत, इसके 2 सबूत दे देता हूं। जनवरी 2020 से सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को स्पष्ट बोल दिया कि आप मन मर्जी से लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन नहीं कर सकते, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 का हनन है। अब ये कितनी बड़ी बात है, ये आने वाले समय के लिए एक पूरा ट्रेडिशन क्रिएट होगा, और सिटीजन की फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है ये बता रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आपको क्या पता है कि भारत विश्व में इंटरनेट शटडाउन करने वाला 1 देश है? सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन भारत में होते हैं, ये आपको पता है? दूसरा सवाल, इंटरनेट शटडाउन जब सरकारें करती हैं तो उसका एक फायदा और एक नुकसान हमें जल्दी से बताइए। चलिए चलिए बताइए, क्या आपने आफ्सपा के बारे में सुना है? AFSPA,
आफ्सपा क्या है वो भी बताओ, और मैंने इस कंटेक्स्ट में पूछा है तो किसी कारण से पूछा होगा। दूसरा सबूत देता हूं, धारा 144 का प्रयोग नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कर ही नहीं सकती सरकार। सो सुप्रीम कोर्ट ये बता रहा है सरकार को कि समय के साथ परिस्थितियां बदल रही हैं। अब जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पूरे देश में भारी विरोध चल रहा है, लेकिन जहां नॉन वायलेंट डिसेंट है वहां 144 लगा के लोगों को रोका नहीं जा सकता। कितनी बड़ी बात है। तो ये ताकत है संविधान की और हमारी जुडिशरी की कि उसकी इंडिपेंडेंस बरकरार है और वो एक मोरल दिशा देती है। आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जुडिशियल पोजीशन ये है। समझ में आ गया दोस्तों आपको धारा 144 के बारे में, और आपको कुछ पता हो तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 12, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। प्यारे दोस्तों, विवाद समाधान। विवाद बहुत प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात को हम समझ लें कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसके पास ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होता है। उसका यह क्षेत्राधिकार है कि वो सेंटर वर्सेस स्टेट, सेंटर वर्सेस टू और मोर स्टेट, स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को निपटाए, और ये ताकत उसको आर्टिकल 131 के तहत मिलती है। समझ में आया, अनुच्छेद 131 के तहत। ये कोई हाई कोर्ट नहीं कर सकता और ये लोअर जुडिशरी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। ये पूरे हमारी जुडिशरी का एक ढांचा आपको दिखाया है हमने। दिस इज द हायरार्की ऑफ इंडियन जुडिशरी। बड़ा अच्छा चार्ट है दोस्तों। इस चार्ट को अपनी तपस्या की नोटबुक में बना लीजिएगा। जितने बच्चे हमारे साथ तपस्या में जुड़े हैं, 150 सेशन आप जब हमारे साथ 12 से 13 महीने में पूरा कर लेंगे, आप चैंपियन बन जाएंगे, हमारी गारंटी है। बेस लेवल पे आपकी तैयारी हो जाएगी, इसीलिए हजारों बच्चे लगातार हमारे साथ पढ़ रहे हैं। आप इस मिशन को और स्प्रेड करने में हमारी मदद करें। प्यारे दोस्तों, इन सभी डिस्प्यूट्स को जब सेटल किया जाता है तो एक सिस्टम बनता है। वो सिस्टम आगे के लिए गाइडलाइन का काम करता है, और हमारी न्यायपालिका जो स्टेरी डिसाइसिस के सिद्धांत पर काम करती है, वो स्टेरी डिसाइसिस का मतलब होता है पहले से आए हुए निर्णयों की लाइट में ही अगला निर्णय आना चाहिए, अनलेस मटेरियल फैक्ट्स बदल जाएं। स्टेरी डिसाइसिस, समझ में आ गया। कॉमन थ्रेड में रिपीट कर दो मैंने अभी क्या बोला। पेंडेंसी, हमारे भारत में आज जितने भी लंबित मामले हैं 3 करोड़ से ज्यादा हो गए, और इसीलिए जुडिशरी की तरफ से ही अब काफी दबाव देकर, पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूं, ADR को पुश किया जा रहा है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल। कॉमेंट थ्रेड में, लाइव चैट में एक बार लिख दो जोर से, ADR यानी वैकल्पिक विवाद समाधान। ये क्या होता है, जुडिशरी ये चाहती है कि लोग कोर्ट में केस करने के बजाय अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट खुद आपसी सहमति से कर पाए तो वो सबके लिए अच्छा होगा। इसके प्लसेस माइनसेस दोनों होते हैं, लेकिन जितना लोड आ गया है जुडिशरी पे उसको देखते हुए ADR इज नॉट अ बैड आइडिया इन सर्टन केसेस। ADR कैसे कैसे होता है, आर्बिट्रेशन से, मीडिएशन से, कंसिलिएशन से, लोक अदालत से और न्याय पंचायत से। 5 तरीकों से भारत में ADR होता है। 5 पॉइंट कॉमेंट थ्रेड में लिखो, विच आर द 5 ways टू गो फॉर ADR इन इंडिया। समझ में आ गया आपको। तो दोस्तों, ये है रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का, भारतीय पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का एक पूरा का पूरा पहलू। ये है भारत की न्यायपालिका की हायरार्की, और ये है लंबित मामलों की संख्या, द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस इन इंडियन जुडिशरी आपके सामने है 3 करोड़ से ज्यादा। तो इन्हें जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए किया जा रहा है। लोक अदालत क्या होती है कौन बताएगा। आज का हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, हमारी सीरीज में 13वां कॉन्सेप्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP। प्यारे दोस्तों, फंडामेंटल राइट हमारे राज्य की ताकत पर एक सीमा बांध देते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे नागरिकों को एक मोरल ऑब्लिगेशन देते हैं। तो DPSP क्या करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, भारतीय सरकार को, राज्य व्यवस्था को यह सलाह देता है कि आप कृपया हमारी तरफ ध्यान से देखें और उसके बाद ही नीति निर्माण करें। समाजवादी DPSP, गांधीवादी DPSP, लिबरल इंटेलेक्चुअल DPSP, उदारवादी बौद्धिक DPSP, कोई भी कानून बनाओ, कोई भी नीति बनाओ, तो भैया हम पर एक नजर जरूर डाल लेना और उसके बाद बनाओ। आपको फंडा समझ में आया DPSP का। प्यारे दोस्तों, ये भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 तक चलते हैं। भाग 3 में आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं और ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, जिस प्रकार फंडामेंटल ड्यूटीज भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। क्या आप हमें बता सकते हैं दोस्तों,
इसका क्या मतलब होता है? दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, इसका क्या अर्थ होगा आपके हिसाब से बताइए और बिना झिझक के उत्तर दीजिए। आप और हम सब साथ में सीख रहे हैं इसलिए कोई टेंशन नहीं है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है भारत में एक न्याय प्रिय समतापूर्ण समाज का निर्माण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। जिस प्रकार फंडामेंटल राइट्स का काम है लोगों को पॉलिटिकल सोशल जस्टिस अधिकार के साथ दिलाना, यहां डीपीएसपी का लक्ष्य है कि भारत में एक न्यायप्रिय न्यायपूर्ण समतापूर्ण समाज बनाना। समझ गए? ये आयरलैंड के संविधान से मोटिवेट होकर आया है और इसीलिए इसके तीन अलग अलग हिस्से मैंने आपको बढ़िया खूबसूरत चार्ट के जरिए बता दिए। तपस्या की नोटबुक बना लेना, ये सब नोट बनाते चलना। हालांकि शाम को 7 बजे पीटी ऐप में आपको उस दिन का पूरा पीडीएफ तो मिल ही जाता है। अभी तक के सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लिए बेटा। भारतीय न्यायपालिका ने डीपीएसपी की मदद से 1980 के बाद से बहुत सारे निर्णय सुनाए हैं, तो डीपीएसपी दरअसल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। लेकिन 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 सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट हमेशा डीपीएसपी के ऊपर आएंगे, इस फंडे में कहीं गलती मत करना। समझ में आ गया? तो बताइए ये जो डीपीएसपी दिए तीनों में से आपको सबसे प्यारा कौन सा लग रहा है? ठीक है, आपकी चॉइस क्या होगी बताइए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी फ्री सर्विसेज अच्छी लगती हैं तो दिल खोलकर पीटी एजुकेशन की कंट्रीब्यूशन लिंक पर जाकर कंट्रीब्यूट करें। मिनिमम इज 100 रुपीज, देर इज नो अपर लिमिट। आगे बढ़िए, कंट्रीब्यूट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ऐसे सेशंस बन सकें। आज के हमारे 14वें कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। भारत के हर नागरिक को ये हिदायत दी जाती है, ये रिक्वेस्ट की जाती है, ये सुझाव दिया जाता है कि आप जहां राष्ट्र से बहुत कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं तो क्या राष्ट्र आपसे कुछ उम्मीदें लगा सकता है? जी हाँ, इंदिरा गांधी जी का ये कहना था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो 1976 में इमरजेंसी के दौरान बनी थी उसका ये कहना था सोवियत संघ से प्रेरित होके कि ये 11 काम भारत के हर नागरिक को करने चाहिए और अगर भारत के हर नागरिक ने 11 काम कर लिए तो वो एक सच्चा नागरिक होगा। ये बात तो खैर सही है, विशेष तौर पर अगर आप पॉइंट 8 देखेंगे। पॉइंट 8 को आप अच्छे से एक बार जोर से पढ़ो। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मैं आपको सच्चे अर्थों में बताऊं, अगर भारत का हर नागरिक आज इस चीज को अपने जीवन में अमल कर ले, भारत एक खुशहाल और प्रगतिशील देश बन जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमैनिज्म। ये तो ऑलमोस्ट गायब ही हो चुका है। आज के हर बच्चे को, हर लड़के लड़की को, हर मर्द और औरत को ये सिखाया जाना जरूरी है। तो चलो मुझे जल्दी से बताओ बेटा, साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है? ये मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। हालांकि कोर्ट ऑफ लॉ में आपको कोई घसीट के नहीं ले जाएगा। भाग 4 क में ये दिए हुए हैं, 1976 में 42वें संशोधन से ये जुड़े थे। तो अब हमने तीन बड़े भागों को एक फर्स्ट लेवल पे देखा, पार्ट 3 मूल अधिकार, पार्ट 4 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, पार्ट 4A जो ऐड हुआ 1976 में, फंडामेंटल ड्यूटीज सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसाओं पे। तो ये 11 में से मैंने आपको अपनी चॉइस बताई, आप मुझे बताइए इन 11 मूल कर्तव्यों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा? नंबर से बता दो चलेगा, और अपनी अपनी चॉइस होती है यार, कोई दो लोगों की चॉइस मैच हो जाता जरूरी थोड़ी है। आपको कौन सा अच्छा लगा जरूर बताइए। आज का हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट जो बड़ा 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 महत्वपूर्ण है, पंचायती राज संस्थान, PRIs। प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 40 DPSP का क्या कहता था कि विलेज पंचायतें बनाई जाएं। आपको याद है मैंने यहाँ पे कवर किया था, ध्यान से देख लीजिए ऊपर आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत दिखाई दिया आपको। ये केवल एक नीति निदेशक सिद्धांत था। दुर्भाग्यवश सच्चे अर्थों में भारत में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बने नहीं। महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का मॉडल तो खैर रिजेक्ट किया गया क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं था, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मॉडल ही बना। लेकिन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अंततः PV नरसिम्हा राव की सरकार लाई, क्योंकि भारत में प्रशासन चलाने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। 73वें संशोधन ने भाग 9 जोड़ दिया पंचायतों का, और 74वें संशोधन ने भाग 9A जोड़ा म्यूनिसिपैलिटीज का, और अंततः भारत 43 सालों के बाद 1950 के बाद PRI ऑफिशियली बनाया, जिससे एक पूरी व्यवस्था बनी। यह है आज की पूरी व्यवस्था, लाखों पंचायतों और हजारों म्यूनिसिपैलिटीज के साथ 3-tier सरकार, यानी त्रिस्तरीय सरकार भारत में काम कर रही है। समझ में आया आपको? तो मुझे जल्दी से लोकल गवर्नमेंट की परिभाषा कमेंट थ्रेड में दे दीजिए। प्यारे दोस्तों, आपको हमने 4 मेंस जीएस के क्वेश्चन दिए हैं,
इन सब के उत्तर अपनी नोटबुक में तपस्या की लिखना शुरू करें और वार्तालाप फोरम पर जाकर आप पार्टिसिपेट करें। आपको मजा आ रहा है जीएस क्वेश्चंस में, कंटिन्यू करूं आगे इस तरह के क्वेश्चंस देना। दोस्तों शाम को 7 बजे पीटी ऐप नोटिफिकेशन में आज के तीनों पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अपने नए नए दोस्तों को तपस्या से जोड़ें और बेनिफिट ऑफर्स का लाभ लें जो मेल और एसएमएस से आ रहे हैं। ये फ्री रिसोर्स है, ये फ्री रिसोर्स है, डेली यूज करें। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं और इंडिविजुअल लेक्चर्स में भी। ये सभी लिंक्स एक्टिव हैं, पीडीएफ में क्लिक करेंगे तो सीधे लिंक भी खुलेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द अब आपसे 1 बजे हम गवर्नमेंट स्कीम में मिलेंगे। सेशन कैसा लगा लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्ते, जय हिंद।